सच कहूं, हम विपक्ष में हैं, लेकिन बीते 96-120 घंटे में एनडीए सुनकर मन आह्लादित हो रहा। स्मरण भी नहीं होता है कि इससे पहले एनडीए का जिक्र कब हुआ था, कितनी मीटिंग हुई 10 वर्षों में, मोदी मोदी पूरा वो था। अब कम से कम, जो मैं बार बार कह रहा हूं, लोकतंत्र आत्ममुग्धता में नहीं चलता, उसको सामूहिकता का आवरण चाहिए, आभूषण चाहिए, वो उसे मिला। भले एनडीए सरकार बना रही है, हम विपक्ष में, लेकिन प्रधानमंत्री जी के अंदर के जो तत्व हैं वो मेजॉरिटेरियन तत्व हैं। लेकिन इस बार बिना मेजॉरिटी के वो मेजॉरिटेरियन तत्व भी मैं समझता हूं कि दायरे में रहेंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये एनडीए जो है नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस है, एक तात्पर्य है कि मोदी के साथ अब नीतीश नायडू भी सुनाई देंगे, क्या कहना है सर? देखिए, ये उनके मतलब उन्होंने अपनी तरह से विश्लेषण किया, मेरा सिर्फ ये कहना कि लोकतंत्र में सामूहिकता प्रबल होनी चाहिए, हम जीते या वो जीते। ये जो व्यक्ति का अहंकार, व्यक्ति का गुरूर, ये जो भैंस मंगल सूत्र मुजरा चल रहा था ना, इसमें मैं उसकी संभावना नहीं देख रहा हूं। और मैं तो अपने राज्य के लिए कहूंगा, नीतीश जी, तेजस्वी जी लगातार बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे, अब वक्त आ गया कि उस मांग को टेबल पर रखा जाए, आरक्षण के दायरे को जो बढ़ा गया है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। और हाँ, देश भर में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, एक कॉलम जोड़ना है। अब इंतजार करते हैं कि गृह मंत्री कौन बनते हैं, फिर एक पिटीशन देंगे, फिर पार्लियामेंट में लाएंगे, ये होगा इस बार का जो स्वरूप है सरकार का, उसमें आपको फ्लेक्सिबल रहना होगा। तो सच कहूं, हम विपक्ष में हैं, लेकिन बीते 96-120 घंटे में एनडीए सुनकर मन आह्लादित हो रहा। स्मरण भी नहीं होता है कि इससे पहले एनडीए का जिक्र कब हुआ था, कितनी मीटिंग हुई 10 वर्षों में, मोदी मोदी पूरा वो था। अब कम से कम, जो मैं बार बार कह रहा हूं, लोकतंत्र आत्ममुग्धता में नहीं चलता, उसको सामूहिकता का आवरण चाहिए, आभूषण चाहिए, वो उसे मिला। भले एनडीए सरकार बना रही है, हम विपक्ष में, लेकिन प्रधानमंत्री जी के अंदर के जो तत्व हैं वो मेजॉरिटेरियन तत्व है। लेकिन इस बार बिना मेजॉरिटी के वो मेजॉरिटेरियन तत्व भी मैं समझता हूं कि दायरे में रहेंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये एनडीए जो है नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस है, एक तात्पर्य है कि मोदी के साथ अब नीतीश नायडू भी सुनाई देंगे, क्या कहना है सर? देखिए, ये उनके मतलब उन्होंने अपनी तरह से विश्लेषण किया, मेरा सिर्फ ये कहना कि लोकतंत्र में सामूहिकता प्रबल होनी चाहिए, हम जीते या वो जीते। ये जो व्यक्ति का अहंकार, व्यक्ति का गुरूर, ये जो भैंस मंगल सूत्र मुजरा चल रहा था ना, इसमें मैं उसकी संभावना नहीं देख रहा हूं। और मैं तो अपने राज्य के लिए कहूंगा, नीतीश जी, तेजस्वी जी लगातार बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे, अब वक्त आ गया कि उस मांग को टेबल पर रखा जाए, आरक्षण के दायरे को जो बढ़ा गया है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। और हाँ, देश भर में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, एक कॉलम जोड़ना है। अब इंतजार करते हैं कि गृह मंत्री कौन बनते हैं, फिर एक पिटीशन देंगे, फिर पार्लियामेंट में लाएंगे, ये होगा इस बार का जो स्वरूप है सरकार का, उसमें आपको फ्लेक्सिबल रहना होगा।